हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अभिषेक है और आज मैं आपको क्लास 8 की साइंस का चैप्टर सेकंड पढ़ाने जा रहा हूँ बच्चों। और क्लास 8 का चैप्टर सेकंड जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब सूक्ष्म जीव। अब बच्चों माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फी मतलब ये हमारे मित्र हैं या शत्रु, ये अब हम देखते हैं। तो बच्चों सबसे पहला जो वर्ड है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसका मतलब क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब सच ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आई, जिन्हें हम खुली आंखों से नहीं देख सकते, जो सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देखे जा सकते हो, ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहा जाता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स कहा जाता है। माइक्रोब्स मतलब स्मॉल। अब माइक्रोब्स मतलब सच लिविंग ऑर्गेनिज्म्स विच कैन नॉट बी सीन बाय द नेक्ड आईज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दीज कैन बी सीन बाय माइक्रोस्कोप, इनको सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। थर्ड पॉइंट है दे आर फाउंड एवरीवेयर, ये हर जगह प्रेजेंट है, इन एयर, इन वॉटर, इन दी सॉइल, चाहे वो डेजर्ट एरिया हो चाहे वो मार्शी एरिया हो, एंड ऑल्सो इन साइड दी बॉडीज ऑफ अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म इन दी फॉर्म ऑफ पैरासाइट्स। दे आर कैपेबल ऑफ एग्जिस्टिंग इन एक्सट्रीम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड ड्राइनेस, यानी ये एक्सट्रीम कंडीशन में भी कैपेबल होते हैं अपने आप को रिप्रोड्यूस करने के लिए, अपने आप को मल्टीप्लाई करने के लिए, एंड बाय फॉर्मिंग अ हार्ड कवरिंग कॉल्ड सिस्ट। सिस्ट क्या बोला जाता है? हार्ड कवरिंग आर प्रेजेंट ऑन दी बॉडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इन फेवरेबल कंडीशन ऑर्गेनिज्म कम्स आउट फ्रॉम द सेल एंड दे रिप्रोड्यूस एंड मल्टीप्लाई। इसके बाद बात करते हैं सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हेल्पफुल टू अस, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है, वेयर एज मैनी ऑफ देम आर हार्मफुल, कुछ हमारे लिए हार्मफुल है बिकॉज दे कॉज डिजीज, क्योंकि उनसे हमें क्या होती है? डिजीजेस होती है बहुत सारी। अब हम बात करते हैं सबसे पहले साइंटिस्ट जिसने इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करा, एंड दैट इज कॉल्ड एवी लोवेनहॉक, यानी एंटोन वैन लोवेनहॉक वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू ऑब्जर्व माइक्रोस्कोपिक प्लांट एंड अदर ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। बच्चों एवी लोवेनहॉक को फादर ऑफ बैक्टीरिया भी कहा जाता है, और 1674 में एवी लोवेनहॉक ने फर्स्ट लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया था इन अ पॉन्ड वाटर। तो एवी लोवेनहॉक का जो आपको मीनिंग है वो क्लियर हुआ कि एवी लोवेनहॉक का क्या योगदान है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के चैप्टर में। तो बच्चों इसके बाद हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो बच्चों अब हम बात करते हैं फोर मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को चार मेजर ग्रुप्स में किस तरह बांटा गया है, उन चारों ग्रुप्स के नाम क्या हैं। तो बच्चों देयर आर फोर मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि बैक्टीरिया, नंबर एक बैक्टीरिया, सेकेंड फंजाई, थर्ड एल्गी एंड फोर्थ प्रोटोजोआ, दीज आर द प्लूरल। अगर आपको सिंगुलर फॉर्म में लिखना है तो बैक्टीरियम, फंगस, एल्गा, प्रोटोजोन, दीज आर द सिंगुलर। तो प्लूरल और सिंगुलर का अंतर पता होना चाहिए। बैक्टीरिया में जैसे एग्जांपल है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, तो जो ये बैक्टीरिया आपने सुना होगा दूध को जब दही बनाया जाता है, ये बैक्टीरिया वहां आपने सुना है कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया कन्वर्ट द मिल्क इनटू कर्ड, जैसे लैक्टोबैसिलस, रेनिन, कोकाई, ठीक है, दीज आर द एग्जांपल ऑफ बैक्टीरिया। फंजाई का एग्जांपल देखते हैं ब्रेड माउल्ड, पेनिसिलियम, एस्परग्लस, मशरूम, दीज आर द एग्जांपल ऑफ फंगस। एंड एल्गी के एग्जांपल देखें स्पायरोगायरा, नोस्टोक, क्लेमाइडोमोनास, दीज आर द एग्जांपल ऑफ एल्गी। एंड प्रोटोजोआ की बात करें अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, दीज आर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब हम बात करते हैं बच्चों इन एडिशन वायरस की। तो वायरस होते क्या है? वायरस आर दी सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी बहुत छोटे होते हैं। इनका जो साइज होता है जनरली 0.015 माइक्रोन टू 0.2 माइक्रोन होता है, तो साइज बहुत स्मॉल होता है। दैट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, इनके अंदर दोनों की कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती है, लिविंग थिंग्स की और नॉन लिविंग थिंग्स की भी। अगर ये बाहर प्रेजेंट होते हैं नॉन लिविंग थिंग फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं तो क्रिस्टल की फॉर्म में होते हैं, और जब हमारी बॉडी की हॉस्ट सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं तो ये लिविंग हो जाते हैं। तो दे रिप्रोड्यूस इनसाइड द सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहे प्लांट हो, एनिमल हो, ह्यूमन बींग हो, एंड ऑब्टेन फूड फ्रॉम देम, और उनसे ही अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, फूड फ्रॉम देम या यूजिंग द होस्ट सेल ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, और उन्हीं लिविंग ऑर्गेनिज्म की होस्ट सेल के अंदर रहकर ये मल्टीप्लाई करते हैं, और जब होस्ट सेल बस्ट होती है तो ये अदर सेल को भी अफेक्ट करते हैं।
एंड दे कैन बी सीन ओनली बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, यानी इनका साइज बहुत छोटा होता है, जनरली ये माइक्रोस्कोप से नजर नहीं आते हैं, इनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। जैसे कि टोबैको मोज़ेक वायरस, बैक्टीरियोफेज, एचआईवी वायरस, दे आर द लॉट ऑफ एग्जांपल ऑफ वायरस एंड नाउडेज अ कोरोना वायरस। तो बच्चों आज की क्लास आपको समझ में आई कि आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म और उनके फोर मेजर ग्रुप्स के बारे में जाना। तो बच्चों अब हम बात करते हैं फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, ऐसे कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो हमारे लिए यूजफुल हैं, यानी बेस्ड ऑन दी बिहेवियर माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर यूजफुल टू अस, जो हमारे लिए उपयोगी है, जैसे इन दी प्रिपरेशन ऑफ कर्ड्स, ब्रेड एंड केक। अब आपको पता है कि कर्ड बनाने के लिए लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का यूज किया जाता है, ब्रेड एंड केक बनाने के लिए ईस्ट का यूज किया जाता है, तो है ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए हेल्पफुल। तो फर्स्ट पॉइंट आपका क्लियर होता है। सेकंड, इन द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन, बहुत सारे टोनिक, कफ सिरप, जो वो किससे बनाए जाते हैं, अल्कोहल से, और अल्कोहल जो है वो फर्मेंटेशन प्रोसेस के द्वारा ईस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा तैयार किया जाता है। एंड थर्ड पॉइंट है, दे एक्ट एज अ डिकम्पोजर फॉर क्लीनाइजिंग द एनवायरनमेंट, यानी ये डिकम्पोजर्स होते हैं, ये हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं। जितने भी एनारोबिक बैक्टीरिया हैं वो बायोगैस प्लांट में आपने देखा होगा कि वहां पे बायोगैस प्रोड्यूस की जाती है एनारोबिक बैक्टीरिया के द्वारा, तो ये हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करने का भी काम करते हैं, सो दे एक्ट एज अ डिकम्पोजर्स। फोर्थ पॉइंट है, इन द प्रिपरेशन ऑफ सर्टेन मेडिसिन लाइक एंटीबायोटिक। आपको पता है फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन सी थी, पेनिसिलिन। तो एंटीबायोटिक्स बनाने में इनका यूज किया जाता है, बहुत सारी वैक्सीन को डेवलप करने में इनका यूज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इन द एग्रीकल्चर फॉर इंप्रूविंग द सॉइल फर्टिलिटी, कि जितने भी नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया है, एरोबिक बैक्टीरिया है, तो ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं और हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने में मदद करते हैं। और अब बात करते हैं हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो हमारे लिए, एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए बहुत हार्मफुल हैं। कैसे हार्मफुल, दे कॉज डिजीज इन ह्यूमंस, प्लांट्स एंड एनिमल्स। एंड नेक्स्ट है स्पॉइल फूड, स्पॉइल कर देते हैं क्लोथिंग एंड लेदर, इन सबको डैमेज करने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हार्मफुल होते हैं। इसीलिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को दो भागों में, कुछ फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म और कुछ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो बच्चों अब हम नेक्स्ट टॉपिक को अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल वाहेगुरु अचीवर्स को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।